टीकमगढ़ जिले की बड़ा गांव घसान में जमीन के कब्जे को लेकर मुस्लिम समुदाय द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताते हुए एसडीएम टीकमगढ़ को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों ने बताया कि पेट्रोल पंप संचालक द्वारा जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, जबकि पूर्व से सांसद निधि द्वारा इस्लामिक स्कूल के लिए जमीन आवंटित की गई थी। साथ ही विगत वर्षों पुराना प्राकृतिक पानी का झरना जो उसी जगह से निकलता है जिससे तालाब को भरा जाता है, जो अब पूरे तरीके से रोक दिया गया है, जिसको लेकर समुदाय द्वारा विरोध दर्ज कराया गया। वहीं मौके पर एसडीएम द्वारा पहुंचकर मामले को समझा गया और निर्माण कार्य पर रोक लगवा कर लोगों को उनके गंतव्य स्थान तक वापस भेजा गया। सर, यहाँ पे जो मुस्लिम समाज के लोग बैठे थे धरने पे, किस बात को लेकर बैठे थे, क्या था इनका पूरा घटना का? नहीं, कुछ लोगों की शिकायत थी एक स्कूल की जमीन और जो हमारा बाजी में यहाँ पे पेट्रोल पंप है बड़ा गाँव में, उसके स्वामित्व को और कब्जे को लेकर विवाद है। तो राजस्व के जो नियम हैं, जो हमारे दस्तावेजी साक्ष्य कहेंगे, और उन्होंने भी कुछ साक्ष्य जुटाए हैं, तो उनको बताया गया है और उन्होंने बोला है कि सर आपके समक्ष हम दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे और तहसीलदार के आदेश से असंतुष्ट हैं तो उसकी अपील विधिवत लेते हुए और उसका निराकरण करेंगे। बस ये है कि अभी धारा 144 भी लगी हुई है, कोरोना काल भी चल रहा है, तो उसके तहत सबको समझाइश भी दी गई मौके पर, सबने माना भी और सब लोग अभी तत्काल उठे भी हैं, अपना पक्ष रखेंगे, शांतिपूर्ण निराकरण कराएंगे, ऐसा उन्होंने भी।